So problem number 16, integration 4x plus 1 over under root 2x cube plus x minus 3 dx. देखिए अभी तक जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो अभी हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमारा dx ओवर था बट ऊपर कोई टर्म नहीं था. यहाँ पर क्या है, ऊपर हमारा एक टर्म है. मैंने आपको अपना जो वीडियो जो पूरा फॉर्मूले का बताया था, मैंने उसमें पूरा इसका फॉर्म बताया हुआ था कि इसमें हम अगर इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, राइट. मैं यहाँ पर फिर से उसको डिस्कस कर देती हूँ. हमारा वो फॉर्म होना चाहिए पी एक्स प्लस क्यू ओवर अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस बी एक्स प्लस सी. इस फॉर्म का मैं दिखाई दे रहा है ये. उसके बाद हमें देखिए क्या करना होता है, मुझे इस टाइप से लिखना होता है. देन देखिए मैं इसको इस टाइप से लिख सकती हूँ, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू. मतलब ए एंड वी हम कुछ भी ले सकते हैं, एस एंड टी, जो भी वेरिएबल चाहें आप वो ले सकते हैं. सो इस फॉर्म में आ गया. अब देखिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है. इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें प्रॉपर उसको कंपेयर करना है. सपोज जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू हमारा देखिए क्या आ जाएगा, लैम्डा टू ए एक्स प्लस वी प्लस म्यू. अब देखिए अब हमको यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग जो कोफिशियंट होते हैं उसको पास में लेके जाते हैं. जो भी एक मेथड है मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम के थ्रू कैसे सॉल्व करना होता है. तो यहाँ से हमको फाइंड करना है लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू को, और जैसे ही हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फिर हमको इस टाइप से उसको लिखना होता है. सपोज मेरे पास जो मेन प्रॉब्लम है वो कुछ इस टाइप की दी हुई है, तो जैसे ही मैं म्यू और लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लूंगी फिर इस फॉर्म को मैं इस टाइप से लिखूंगी, लैम्डा इंटीग्रेशन 2ax प्लस वी ओवर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस म्यू ओवर सॉरी इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो ये एक पूरा प्रोसीजर है. फिर उसके बाद हमको पता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा वे क्या है. इन शॉर्टली हमने यहाँ पे क्या समझा, हमारे पास इस टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें पता है कि हमें कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके इसको सॉल्व करना है. इस टाइप का कुछ है तो हम यहाँ पर कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ऊपर उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारी वैल्यू निकल कर आ जाती है. बट अगर इस टाइप का कोई फॉर्म था, देखिए मैं यहाँ पर अगर कुछ अज्यूम करूँ तो ऊपर का फॉर्म मेरा बन ही नहीं रहा, इट मीन्स यहाँ पर तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती. देखिए इसमें इनडायरेक्टली मैं कर भी सकती हूँ बट स्टिल आगे जो प्रॉब्लम आएंगी वहाँ पर हम सॉल्व कर ही नहीं सकते थे. तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना है, उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना है. तो अब मैं इन्हीं मेथड के बेस पे कुछ प्रॉब्लम लेके आपको बताती हूँ उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देखिए ठीक है, अब हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाला जो मेरा प्रॉब्लम है इसको मैं इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकती हूँ और इसको मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकती हूँ. देखिए डायरेक्ट में इसको कैसे सॉल्व करूँगी, सपोज मैंने यहाँ पे इसको अज्यूम किया, ये वाला मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे लिख लिया फिर से, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, जो नीचे वाला मेरा टर्म है मैं उसको अगर अज्यूम कर लूँ टी, तो मेरा ऊपर वाला फॉर्म बनता हुआ मेरे को नजर आ रहा है. सो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टी, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग देन फोर एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. मतलब इसमें और जो हमारा मेथड है इसके थ्रू भी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो रहा है. ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या करना है, ये मतलब मेरा जो पूरा फॉर्म है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डी टी में. सो डी टी ओवर अंडर रूट इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे सो टी टू द पावर माइनस वन बाई टू डी टी, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या मिल जाएगा, हमको टू अंडर रूट टी, क्योंकि ऊपर आएगा ना इसको मैं इंटीग्रेट करूँ, आपको बहुत टाइम बता चुकी हूँ तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही यहाँ पर. और यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमने टी को अज्यूम किया हुआ है उस टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो टू अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस सी, तो यही इसका आपका
आंसर हुआ। अब हमने क्या करना है, अभी मैं इसको चाहूँ तो मैं इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकती हूँ, बट स्टिल क्यों हम इतना एक्सप्लेन करें, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो देखते हैं कि वो हम इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो हमको ये फॉर्म इस टाइप की नज़र आ रही है। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स प्लस टू मतलब पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लेमडा, मैं इसको ए मान लेती हूँ, ए डी ओवर डी एक्स। अब इस फॉर्म को लिखते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वी। हमने क्या करना है, सभी क्वेश्चन सभी प्रॉब्लम्स में हमको इसको इस स्टेप्स में लिखना होगा। अब हमने क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, सो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए, यहाँ से हो जाएगा टू एक्स, ठीक है, यहाँ से हमारा आ गया टू एक्स, देन प्लस वी। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ, सो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस वी। नाउ कंपेयरिंग, सो कंपेयरिंग करने का हमको क्या मिल जाएगा, टू ए इज इक्वल टू वन, दैट इज ए इज इक्वल टू वन ओवर टू। हमने यहाँ से क्या फाइंड किया, ए की वैल्यू फाइंड किया, और वी हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब हम पुट कर देंगे ए एंड वी की वैल्यू कहाँ पर, इस टाइप के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे ही हम इस टाइप में लिखेंगे तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, जो ये वाला प्रॉब्लम है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लैम्डा को ए माना हुआ है, म्यू को वी माना हुआ है, तो जैसे ही मैं लैम्डा की जगह पर ए पुट करूँगा, ये हमारा हमारा कितना यहाँ पे वन ओवर टू है, तो देखिए वन ओवर टू ए कन्वर्ट हो गया इसमें। देन इंटीग्रेशन टू ए एक्स प्लस वी, इट मीन्स दैट इज, जो मैंने सॉरी मैंने जो फाइंड किया वो मैंने कितना फाइंड किया, टू हमारा टू एक्स आया था ना, इससे कंपेयर करते हैं इस वाले से। तो हमने अब इसकी यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, तो ए इक्वल टू हमारा आ गया वन ओवर टू, इंटीग्रेशन ये हमारा आ जाएगा टू एक्स, सो टू एक्स ओवर अंडर रूट में जो भी हमें दिया होता है हम उसको लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको इस स्टेप से लिख लिया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब क्या करना होता है, प्लस प्लस लगाया, टू बी हमारा कितना है, वी हमारे पास टू है, सो मैं टू को वहाँ भी निकाल सकती हूँ, मैं अंदर भी लिख सकती हूँ, टू डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया कुछ इस टाइप से। जैसे ही हमको इस टाइप का कुछ दिखाई देता है, अब हमने क्या करना होता है, इस वाले फॉर्म में मोस्टली मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए इसको मैं सबसे अच्छा तरीका, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, वन ओवर टू आई वन प्लस टू आई टू, जहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो मेरा आई वन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला टर्म हमारा आई टू को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब हम क्लियर नहीं होता, तो उसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको इस टाइप से लिख लिया। अब मैं यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व कर लेती हूँ आई वन को एंड आई टू को। सो फॉर द आई वन हमको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी, सो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इट मीन्स ये टर्म हमारा हो गया डी टी में, इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा ये टी हो जाएगा, अब वही है ये ऊपर जाएगा हमारा हो जाएगा टी की पावर माइनस वन ओवर टू डी टी। इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर पूरा आपको पता हुआ है, तो यहाँ से हमारा देखिए आ जाएगा वन ओवर टू साथ में है तो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से आएगा टू अंडर रूट टी प्लस सी, सो रूट टी टी हमारा क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। सो हमने यहाँ से क्या फाइंड किया, आई वन फाइंड किया, अब हमें क्या फाइंड करना होगा, अब हमको आई टू फाइंड करना होगा। आई टू फाइंड करने के लिए हमको दिया हुआ है यहाँ पर डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। अब हम देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्टली मेरे को दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो जहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज वन प्लस सी। तो हमने ये आई टू भी फाइंड कर लिया। अब जो आई वन आई टू मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था इस फॉर्म में वन ओवर टू आई वन प्लस वन ओवर टू आई टू, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं अपनी आई वन आई टू की वैल्यूज को। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आई वन एंड आई टू, सो वन ओवर टू ये आया हमारा टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू
ये हमारा कितना आया यहाँ से, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, इट विल बी कैंसिल्ड हियर, देन यू कैन गेट फाइनल सॉल्यूशन दैट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इस टाइप का पूरा प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं वो सभी हमारे इसी मेथड पर है, और मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। यही बोर्ड एग्जाम में अब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो मतलब हमारा श्योरिटी है कि आते ही आता है, तो उसको बस बिल्कुल ऐसे ही हमने उतार देना है, ठीक है? इसलिए स्टेप बाय स्टेप को समझाती हूँ कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। नाउ वी विल गो फॉर अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम 18, इंटीग्रेशन 5x-2 dx ओवर 3x² प्लस 2x+1। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था हमें क्या करना होता है, 5x-2 इज इक्वल टू ए डी ओवर डी एक्स डिस्टम दैट इज 3x² प्लस 2x+1 प्लस वी। नाउ इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो ए 6x+2 प्लस वी, अब वही हम कंपेयर करेंगे। सो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5x-2 इज इक्वल टू 6ax+2a प्लस वी। हमको ये दिखाई दे रहा है यहाँ से कि ये x का टर्म है, तो इसका कंपेयर इससे कर देते हैं, और जो हमारे ये कॉन्स्टेंट हैं तो कॉन्स्टेंट का हम क्या करते हैं इसके साथ में करेंगे, तो हमको यहाँ से a एंड v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो 6a इज इक्वल टू 5, सो a इज इक्वल टू 5/6, एंड जब इससे करेंगे सो v हमको यहाँ से मिल जाएगा, v इज इक्वल टू हमको मिलेगा -11/3। पुट कर सकते हैं आप, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो v इक्वल टू हमें यहाँ से मिल जाएगा -11/3। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारा फॉर्म होता है वो क्या होता है a, तो मतलब a हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5/6 है ना, देन इसमें अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये मेन जो फॉर्म निकल के आया ये वाला, अब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। सो ए की जगह पर मैंने लिखा 5/6, अब हमने क्या लिखना होगा 6x+2/3x² + 2x+1, देन बी, तो -11/3 इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा, सॉरी डी एक्स ओवर 3x² + 2x+1, ठीक है? जैसे ही हमको इसी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम क्या करना होता है, हमें इसको I1 I2 के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 5/6 I1 - 11/3 I2, ठीक है? अब हमने इसको क्या कर दिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसमें पुट करके अपना फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए नाउ इन द I1, हम I1 के लिए बात करेंगे, सो हमें दिया हुआ है 6x+2 dx/3x² + 2x+1। ना अज्यूम कर लेते हैं लेट 3x² + 2x+1, सो 6x+2 इज इक्वल टू, सॉरी dx इज इक्वल टू dt। सो अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर लिया dt में, तो वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हमको यहाँ से मिल जाएगा dt/t डेट इज log t। सो फाइनली log t हमारा कितना हमने एज्यूम किया हुआ है 3x² + 2x+1 + c। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड किया, I1 को फाइंड किया, अब हमने क्या फाइंड करना है, I2 को फाइंड करना है। सो I2 के लिए हमें वैल्यू यहाँ पे दी हुई है dx/3x² + 2x+1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें परफेक्ट स्क्वायर करना है, तो हमें एक्स स्क्वायर की जो यूनिटी है उसको हमें क्या करना होता है, सिंगल कर यूनिटी बनानी होती है इसकी एक्स स्क्वायर की। तो मैं क्या करूँगी, 3 का यहाँ पे डिवाइड दे दूंगी। जैसे ही मैं यहाँ पे 3 का डिवाइड दूंगी तो 3 बाहर आ जाएगा, सो dx/x² + 2/3x + 1।
अभी मैंने आपको बताया था कि हमें अब इसका परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए करना क्या करना होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स लेते हैं, उसका ओवर डिवाइड देते हैं 2 से, देन उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। इट मीन्स 2/6 हो जाएगा यहाँ से, और 2/6 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4/36। उसका हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मैं फिर से आपको एक बार यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। हमें यहाँ पे करना होगा 2/3x प्लस 4/36 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो 4/36 हो गया ऐसे हमारा, है ना। जब मैंने इसका ऐड, देखिए एक आंसर क्या हमारा जाएगा 1/9, तो मतलब जब मैंने इसका एडिशन किया 1/9 में, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ से हमारा होल स्क्वायर क्या बन के आएगा, ये बन जाएगा हमारा x प्लस 1/9 टू दी पावर 2/3। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही टर्म इसमें मिल जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 9 - 1 8, और 8 का हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 8/ हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा √2/3 टू दी पावर 2। तो मतलब हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, मैं वैल्यू कहाँ पुट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/3 dx/x + 1/3 टू दी पावर 2 प्लस √2/3 टू दी पावर 2, है ना। अब देखिए अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आकर के हमें यहाँ पे आके एज्यूम करना होता है, सो पुट x+1/3 = t, देन dx = dt, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 dt/t² + √2/3 टू दी पावर 2। ये हमारा फॉर्म बन गया किसका, 1/a tan inverse x/a का। तो हम लिख सकते हैं, देखिए 1/a कितना आएगा आपके यहाँ से, ये हो जाना है 3/√2, है ना। तो जब हमारे यहाँ से हो जाएगा 3/√2 देन tan इनवर्स t, तो t में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकती हूँ, x+1/3 ये हमारा t होता है, देन √2/3 + c। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 3x+1 हो जाएगा, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमने ये I2 फाइंड कर दिया, अब हमने I1 ये फाइंड किया था, I2 ये आ गया, कहाँ लगाना होगा हमको, यहाँ पर लगाना होगा। तो जैसे हम इसमें लगाएंगे हमको क्या मिल जाएगा, देखिए हमको यहाँ से मिल जाएगा 5/6, I1 हमने कितना फाइंड किया अपना, log 3x² + 2x + 1 जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था अपना, है ना, और -11/, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 3√2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3√2 I2। अब बात करेंगे इसकी, तो tan इनवर्स यहाँ से आ जाएगा हमारा ये 3x+1/√2, जस्ट बिकॉज एलसीएम लेके ये भी कैंसिल हो गया, प्लस का सी। सो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। अब प्रॉब्लम नंबर 19 सॉल्व करते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 19 देखिए, इंटीग्रेशन 6x+7 dx/(x-5) एंड x-4। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब हमने पहले इसको ओपन कर लेते हैं नीचे वाले को, ठीक है। सो 6x+7 यहाँ से हमारा आ जाएगा, अच्छा अंडर रूट में है, सो अंडर रूट ये देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा x² - 9x + 20 dx, ठीक है। इसको करती है हमने क्या करना होगा यहाँ पर, अब हमने जो फॉर्म में एज्यूम करती हूँ ना, मैंने आपको बताया था, सो 6x+7 = a d/dx - 9x + 20, ठीक है। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस बी डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो a 2x - 9 + v इट विल बी लुक लाइक, देन 6x+7 = 2ax - 9a + b ऑन कंपेयरिंग 2a = 6 एंड -9a + v = 7। हियर यू कैन फाइंड a =
and v is equal to 34, just because 9 into 3 27, then aap kya ho jayega hamara 34. So you can get a is equal to 3 and v is equal to 34. So now put the value of a and 3 over here. Then you can get 3. Integration 2x minus 9 dx over under root x square minus 9x plus 20 plus 34. Integration dx over under root x square minus 9x plus 20, right? Then 3i1 plus 34i2. So for the i1, 2x minus 9 dx over under root x square minus 9x plus 20. ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रोसीजर आपका यही होगा कि हमने यहाँ पे क्या करना है. अब हमने यहाँ पे इसको अज्यूम करना होगा, टी लेते थे ना यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी, सो डेट इज 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू dt. ये फॉर्म हमने कन्वर्ट कर लिया dt के फॉर्म में, सो dt ओवर अंडर रूट टी हमको मिल गया. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसको dt ओवर अंडर रूट टी, एंड यू नो हाउ टू सॉल्व अंडर रूट टी विद इंटीग्रेशन साइन, देन यू कैन गेट 2 रूट टी प्लस सी. सो पुट द वैल्यू ऑफ टी हियर, देन यू कैन गेट i1 इज इक्वल टू 2 x square minus 9x plus 20, right? Plus c. ये आपने क्या कर लिया, ये आपने फाइंड कर लिया i1 की वैल्यू को. अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है i2 को. सो हम जब मूव करते हैं i2 के लिए, सो i2 हमको देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, i2 हमको दिया हुआ है dx इज इक्वल टू सॉरी अप ओवर अंडर रूट माइनस 9x प्लस 20. जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको अब हमें यहाँ पर इसको बनाना होगा परफेक्ट स्क्वायर, जो कि हमें क्या करना होता है, कोफिशियंट ऑफ x लेते हैं, दैट इज 9. 9 का जब कराएंगे 2 से, तो 9 ओवर 2 हो जाएगा. 9 ओवर 2 का अगर मैं करूँगी स्क्वायरिंग तो हमको मिल जाएगा 81 ओवर 4. तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना कर देती हूँ आपको. तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट आएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स ओवर एक्स माइनस 9 ओवर 2 टू द पावर 2, देन माइनस अंडर रूट 41 टू द पावर 2. ठीक है, अब जैसे हमको ये मिल गया, अब हमने क्या करना है, हम पुट करते हैं. तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, 9 माइनस एक्स माइनस 9 बाई 2 इज इक्वल टू टी, सो डैट इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, सो डी टी ओवर ये हमको मिल जाएगा क्या, अंडर रूट आई फॉरगेट दिस, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 41 ओवर 2 टू द पावर 2. नाउ दिस इज अ फॉर्म ऑफ डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो डैट इज लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 41 ओवर 2 टू द पावर 2 प्लस सी. पुट द वैल्यू ऑफ टी हियर, देन यू कैन गेट एक्स माइनस 9 बाई 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी. ठीक है, ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमने i2 को फाइंड किया. जैसे ही हम i2 को फाइंड कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे, अपनी i1 और i2 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे. तो जैसे हम यहाँ पुट करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये हमको मिल जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, ये हो जाएगा 3. i1 हमने कितना निकाला, ये निकाला, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20.
दिया हुआ है हमको प्लस 34। सो प्लस 34, ये हमने देखे क्या निकाला है यहाँ से, हमारे यहाँ से निकल कर आया लॉग लॉग एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। सो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करती है आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, 6, 3 2 6, 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग एक्स माइनस 9/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। सो यही हमारा इसका फाइनल आंसर हुआ। तो अब हमने इस टाइप की कुछ और प्रॉब्लम्स हैं वो और सॉल्व करते हैं फिर इसको और अच्छे से, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कमांड हो जाएगा हमारा इसको करते करते कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सो प्रॉब्लम नंबर 20, सो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म ए डी ओवर डी एक्स, जो हमारा इसका प्रोसीजर सॉल्व करने का उसके थ्रू हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, प्लस वी नॉट डिफ्रेंशिएटिंग, सो यू कैन गेट फोर सॉरी ए 4 - 2x प्लस वी, देन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4a - 2ax प्लस वी। ऑन कंपेयरिंग यू कैन गेट ए एंड वी वैल्यूज, सो यू गेट ए इज इक्वल टू -1/2 एंड वी इज इक्वल टू 4, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से हमारे सीधे आ रहा है ए इज इक्वल टू -1/2 एंड वी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4। सो आफ्टर सॉल्व आफ्टर वी गेटिंग वैल्यूज ए एंड वी, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड वी ओवर हियर इन दिस इक्वेशन, देन -1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन लेते हैं, फिर हम क्या देते हैं यहाँ पे 4 - 2x जो कि हम इसको लिखते हैं डी एक्स ओवर अंडर रूट 4x - x² प्लस 4 इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट 4x - x². अब हमने क्या करना होता है इसको -1/2i1 प्लस 4i2, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमने i1 i2 की वैल्यू फाइंड करनी है, सो फॉर द i1 इंटीग्रेशन -4 - 2x डी एक्स ओवर अंडर रूट 4x - x² ना अज्यूम करते हैं इसको, सो हमने क्या अज्यूम करना है यहाँ पे 4x - x² इज इक्वल टू टी, सो 4 - 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस ओवर हियर, देन डी टी ओवर अंडर रूट टी, सो फाइनली यू गेट प्लस सी, राइट, देन पुट द वैल्यू ऑफ टी, सो i1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 4x - x² प्लस सी। तो आपको हमारे यहाँ से क्या मिल गया, आपको ये मिल जाना है, ये हमारी i1 की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमें i2 फाइंड करना है, सो i2 के लिए हम चलते हैं, i2 इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है डी एक्स ओवर, यहाँ से ले लेंगे ना इसको, अंडर रूट 4x - x². अब देखिए अब इसको क्या करना होता है, फिर से वही स्क्वेयरिंग बनाना होगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ डी एक्स ओवर अंडर रूट -x² - 4x, इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ से जब इसका स्क्वेयरिंग बनाएंगे तो हमारा स्क्वेयरिंग बन करके आ जाएगा डी एक्स ओवर, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, +2 + 4 - 4 कर सकते हैं डायरेक्टली, तो जैसे हम इसको करेंगे हमारे यहाँ पे मिल जाएगा x - 2 to the power 2, देन -2 to the power 2, ठीक है, और स्क्वायर रूट बना हुआ है तो स्क्वायर रूट को मैं डिफरेंट कलर से यूज करके बताती हूँ, ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया, ये हमारा यहाँ पर ये आ गया। सो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इस फॉर्म में
माइनस जो दिया हुआ है इसको मैं अंदर कॉमन अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो दैट इज 2 टू द पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2 द पावर 2। अज्यूम कर लेते हैं एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू t, सो दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो फाइनली यू कैन गेट डी टी ओवर माइनस टी स्क्वायर। जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा साइन इनवर्स टी ओवर ए। सो टी हमारा यहाँ पे कितना है, साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 ओवर 2 प्लस c, सो दैट इज i2। हमने i2 फाइंड कर लिया, हमारे पास i1 भी है। अब हमने क्या करना है, i1 एंड i2 ये दोनों की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पर। सो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -1/2 ((2) √4x माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा i1 ये निकल कर आया था, ठीक है। सो मैंने i1 को यहाँ पे ऐसे पुट कर दिया एंड प्लस, अब प्लस 4 ये पुट करेंगे इस i2 को। सो i2 हमारे पास कितना है, साइन इनवर्स एक्स माइनस 2/2 + c। सो 2 से 2 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, -√4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2/2 + c। यही आपका इसका फाइनल आंसर हुआ, राइट। सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंट, ये वाली जो टेक्निक है वो तो ऑलमोस्ट सभी में सेम रहती है, तो ये वाली जो हमारा फॉर्म है इसमें कुछ ना कुछ हमको डिफरेंट आंसर मिलेगा। उसमें जो हमारे फॉर्मूले जो हमने 6 यहाँ पे डिराइव किए हुए थे, तो उसमें से कुछ ना कुछ हमको यहाँ पे डिफरेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम 21 पे मूव करते हैं। सो 21 इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 dx ओवर √(x²) + 2x + 3। सो वी कैन राइट डी ओवर डी एक्स (x²) + 2x + 3 + v। नाउ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a 2x + 2 + v, राइट। देन ऑन कंपेयरिंग यू कैन गेट a = 1/2 एंड v = 1। सो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड t ओवर हियर इन दिस इक्वेशन, ठीक है। देन यू कैन राइट 1/2 इंटीग्रेशन 2x + 2 dx ओवर √(x²) + 2x + 3 (1/2) = देन प्लस dx ओवर √(x²) + 2x + 1 प्लस 3, जस्ट बिकॉज v = 1 हियर। देन यू कैन राइट इन दिस फॉर्म 1/2 i1 + i2। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2, तो वी विल मूव फॉर अ i1, देन i1 2x + 2 dx ओवर √(x²) + 2x + 3, राइट। देन पुट (x²) + 2x + 3 = t, देन डिफ्रेंशिएटिंग तो 2x + 2 dx (dt). यू कैन रिमूव 2x + 2 dx (dt), देन यू कैन गेट dt/√t। सो 2√t + c वाई इंटीग्रेटिंग, देन पुट द वैल्यू ऑफ टी हियर, देन यू कैन गेट 2√(x²) + 2x + 3 + c, दैट इज i1। सो फाइनली यू कैन गेट i1, देन i2। सो फॉर द i2, i2 = इंटीग्रेशन dx ओवर √(x²) + 2x + 3। नाउ यू हैव टू डू अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। सो फिर से वही फॉर्म, यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं,
मैं यहाँ पे 1 को ऐड कर सकती हूँ, 1 को माइनस कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे ही हम 1 को ऐड 1 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 1 टू द पावर 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लिख सकते हैं dx ओवर एक्स प्लस 1 टू द पावर 2 प्लस √2 टू द पावर 2। देन अज्यूम क्या करना होता है हमको, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t, सो dx इज इक्वल टू dt, dt ओवर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 टू द पावर 2 प्लस √2 टू द पावर 2। सॉरी, यहाँ पर t में कन्वर्ट हो गया ना, ये तो यहाँ पर t लिख देते हैं इसको, ये t हो गया तो ये t में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ से हमारा एग्जैक्टली क्या बन के आएगा, dt ओवर अंडर √t² प्लस √2 टू द पावर 2। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे यहाँ से फॉर्म बन गया, क्या फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ से, ही होता है log t प्लस अंडर √t² प्लस √2 टू द पावर 2 प्लस c। लॉग के टी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, सो एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c, ठीक है। हमने यहाँ से ये फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारी वैल्यू निकल के आई है I2 एंड I1 की, वो हम कहाँ पुट करते हैं, हम पुट कर देते हैं इस जगह पर। जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 ओवर 2। I1 हमने कितना फाइंड किया, I1 हमारा निकल के आया था ये वाला टर्म जो मैंने यहाँ पे लिखा था, सो 2 अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3, देन प्लस I2 हमारा निकल के आया ये वाला टर्म log x+1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाना है तो इट विल बी कैंसिल हियर, देन यू कैन फाइनली गेट योर आंसर दैट x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस log √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसका जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। सो 22, इंटीग्रेशन x+3 dx ओवर x² माइनस 2x-5। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बाय दिस प्रोसीजर दैट ए डी ओवर डी एक्स x³ माइनस 2x-5 प्लस वी। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड वी, सो ए इज इक्वल टू 1 ओवर 2 बाय कंपेयरिंग एंड वी इज इक्वल टू 4, ठीक है। मैं डायरेक्ट निकाल देती हूँ, आपको पता है आप कैसे निकालना है। एंड अब क्या करना है हमने, अब ए और वी की हम वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे जो इसके बाद जो निकल के आता है, मैं एक और स्टेप सॉल्व कर लेती हूँ। सो x+3 इज इक्वल टू ए, यहाँ से आ जाएगा 3x-2 प्लस वी, है ना। अब हमने क्या करना होता है, 3x² - 2 प्लस वी। अब हमने क्या करना है, जो हमारा मेन निकल कर आया है ये अरे x² होगा ना, सो x² यहाँ पर वो तो 2x आएगा, ये 2x-2 प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 2x-2 आया उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर 2 2x-2 dx ओवर x³ - 2x-5 प्लस 4, क्योंकि बी हमारा 4 निकल के आया, सो 4 dx ओवर x² - 2x-5। इस वाले फॉर्म में देखिए हमें क्या करना होता है, फिर से हम वही लेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो I1 प्लस 4 I2, और हमें क्या फाइंड करना है, I1 I2 को फाइंड करना है। सो I1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए dx ओवर x³ - 2x-5, यहाँ अज्यूम क्या करेंगे हम, लेट कर लेते हैं x² - 2x-5 को, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर एज्यूम करेंगे हमारे पास मिल जाएगा 2x-2 dx इज इक्वल टू dt। इट मीन्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है, सो dt ओवर t हो जाएगा हमारा log t, और log t की जगह पर हम लगा देंगे वैल्यू, सो log
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव प्लस सी। हमें क्या मिल गया, ये हमें आई वन मिल गया। सो आई वन मिलने के बाद में हमने क्या करना है, अब आई टू को फाइंड करना है। आई टू को फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, फिर से इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा यहाँ से आ जाएगा, देखिए एक्स माइनस वन टू दी पावर टू माइनस अंडर रूट सिक्स का होल स्क्वायर। जब आप ओपन करेंगे तो आपको यही यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये फॉर्म किसका हो गया, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका अच्छा यहाँ पे हमें एज्यूम भी करना है अभी। सो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी लेकर के हम कर सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी टी ओवर टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट सिक्स टू दी पावर टू। देन अब इसको हम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है उसका हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वन ओवर टू ए, टू ए मतलब ये। सो लॉग हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, अच्छा टी होगा ना पहले, टी माइनस ए ओवर टी प्लस ए प्लस सी। हम टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो टू अंडर रूट सिक्स लॉग टी हमने क्या दिया है यहाँ पे, टी हमारे पास है यहाँ पे एक्स माइनस वन। सो एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस रूट सिक्स प्लस सी, है ना। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने आई टू फाइंड कर लिया। सो आई टू और आई वन की जो वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड की है, आई वन हमारे पास देखिए ये वाला है, आई टू हमने ये फाइंड कर लिया, हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे हम देख क्या मिल जाएगा, वन ओवर टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव प्लस, यहाँ से देखिए फोर है यहाँ पर, तो फोर यहाँ पर है टू यहाँ पर है, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, टू ओवर रूट सिक्स लॉग, ठीक है। और जो ये वैल्यू है उसको लिख देते हैं, सो एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस रूट सिक्स प्लस सी। तो यही आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम नंबर 23, इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 सी। ये आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है, और इसके बाद फिर आपके दो मल्टीपल के प्रॉब्लम है, फिर हम वो सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस वी। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा 2x प्लस 4 प्लस वी। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करके यहाँ से हम ए और वी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ से 5 ओवर 2, एंड वी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -7। और जैसे ही हमने ये वैल्यू को फाइंड किया ए एंड वी की, हम कहाँ पुट कर देंगे इसको, हम पुट कर देते हैं इसको अपना मेन इस वाली जगह पर जो हमें पुट करना होता है। सो यहाँ से हमको मिल जाएगा देखिए 5 ओवर 2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4, है ना। सो 2x प्लस 4 डी एक्स ओवर अंडर रूट यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, देन -7 डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब हमने क्या करना होता है, इसको हम आई वन आई टू ले लेंगे। सो 5y2i1 देन -7i2। अब हमने क्या करना होगा, यहाँ पे आई वन एंड आई टू की वैल्यू को फाइंड करना है। सो आई वन के लिए हम फाइंड करते हैं पहले, आई वन हमारा यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 4 डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, राइट, अज्यूम करते हैं। सो जैसे हम इसको हम अज्यूम करेंगे, हमको मिल जाएगा यहाँ से 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी, देन 2x प्लस 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमने क्या करना है, अब हमने इस वाले को रिमूव कर देना है, किसके साथ में, डी टी के साथ में। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा डी टी ओवर रूट टी, दैट इज 2√t प्लस सी, और 2√t की लगा देते हैं वैल्यू। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से हमने फाइंड किया आई वन को,
तो हमारा आ गया आई वन इजिक्वल टू दिस। अब हमने क्या करना है देखिए, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे आई टू को। सो आई टू के लिए हमने क्या करना होता है, आई टू डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x+10। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं दिखाई दे रहा है कि अगर मैं एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बना दूँ तो मेरा फॉर्म बन जाएगा, और जब एक्स प्लस टू का फोर स्क्वायर बनाएंगे तो हमें माइनस का 4 करना पड़ेगा। तो माइनस का 4 करती है देखिए, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा डी एक्स ओवर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर देन प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स प्लस टू को हम टी अज्यूम करते हैं, तो डी एक्स इक्वल टू हमारा डी टी हो जाएगा। तो ये फॉर्म हमारा कन्वर्ट हो गया डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, ये होल का भी अंडर रूट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो उसका हमारा आंसर क्या होता है, फॉर्मूला लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 टू द पावर 2। देन टी की लगा देते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से लॉग टी हमारा कितना है देखिए, एक्स प्लस टू। सो एक्स प्लस टू प्लस यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x+10 प्लस सी, राइट। ये हमने आई टू फाइंड कर लिया, हमारे पास आई वन भी है आई टू भी है, हम क्या करेंगे इसको फाइनली आंसर में पुट कर देते हैं। तो 5/2, 5/2 यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। 5/2 आई वन कितना है, आई वन हमें दिया हुआ है टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x+10, जो कि मैंने यहाँ पर फाइंड किया है ना। और यहाँ से आ जाएगा देखिए -7। अब इसकी लगा देते हैं वैल्यू लॉग की, तो जो हमने फाइंड किया लॉग वाली वैल्यू वो यहाँ पर पुट करते हैं, तो हो जाएगा -7 लॉग एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x+10 प्लस सी, ठीक है। इससे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली वी गेट 10-7 लॉग एक्स प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x+10 प्लस सी, ठीक है। तो यही आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब हमने क्या किया, हमने सक्सेस के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। अब आपके दो जो हमारे मल्टीपल क्वेश्चन हैं, हम उसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें जो ऑप्शन है वो आप मैच कर लीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ। सो 24 हमको यहाँ पे दिया हुआ, देखिए डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2। तो इस वाले में हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम के लिए इसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर को बनाना होगा। सो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए डायरेक्टली मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है, मैं इसको लिख सकती हूँ डी एक्स ओवर एक्स प्लस 1 टू द पावर 2, जस्ट बिकॉज आप जब ओपन करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, और जब माइनस करेंगे 1 को तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये करते ही हमें फॉर्म नज़र आ गया डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1/a tan-1 एक्स ओवर ए, तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो जो आपका वी वाला आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपना 25 के लिए। सो 25 वाला आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट 9x-4x² ये हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना होगा। सो इसको मैं लिख सकती हूँ डी एक्स ओवर अंडर रूट माइनस अंदर कॉमन ले लेती हूँ, तो हमको यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, माइनस अंदर लेकर के 4x² - 9x हो जाएगा। अब मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले जो हमारे 4 है उसको 4 को मुझे डिवाइड देना होगा, क्योंकि हमें यूनिटी बनानी होती है। जब यूनिटी बनानी होगी तो हमने यहाँ पे इसका डिवाइड देना होगा, जैसे इसका हम डिवाइड देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ से डी एक्स ओवर -1/4x² - 9/4x, ठीक है। अब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, हमें इसका ओवर 2 करना होता है ना, तो हमारे पास देखिए मैं इसको तो बाहर ले लेती हूँ पहले, जो 2 है तो हमारे इसको 2 को बाहर निकाल के हो जाएगा 1/2।
यहाँ से हो जाएगा डी एक्स ओवर अंडर रूट माइनस, ये बन जाएगा हमारा एक्स माइनस 9y8 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन इसमें मैं ऐड माइनस भी करना होगा, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे किसको, हम 9y8 को ही माइनस कर देते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके पास इतना ही टर्म आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर बनाया है। अब हमने क्या करना है, देखिए अब माइनस जो दिया हुआ मैं इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट 9y8 to the power 2, देन माइनस एक्स माइनस 9y8 to the power 2, आपको ये मिल गया यहाँ से। अब हमने क्या करना होता है, देखिए हमारा फॉर्म बन गया ये। अब पहले यहाँ पर अज्यूम कर लेती हूँ 9y8 को t अज्यूम करूँगी, सो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। सो 1/2 डी टी ओवर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 9y8 to the power 2 माइनस टी स्क्वायर, है ना। यहाँ से हमारा फॉर्म किसका बन गया, डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में वो होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। सो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, हमने एक्स हमें टी के यहाँ पे दिया हुआ है, टी हमारे पास है यहाँ पर एक्स माइनस 9y8 over 9y8 प्लस सी। अब देखिए आप एलसीएम ले सकते हैं, जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 8x minus 9 over 9 प्लस सी। तो जो आपका करेक्ट इसका जो आंसर है वो भी आपका इसका भी बी है, ठीक है। सो इस टाइप से हमने इस पूरी एक्सरसाइज को मैंने कवर किया, और सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे जो भी मैंने 6 फॉर्मूले आपके यहाँ पर ड्राइव किए थे, और जो मैंने पर्टिकुलर आपको फॉर्म बताया था उस सब के थ्रू हमने यहाँ पे इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। और होप सो मतलब मैंने पूरा स्टेप बाई स्टेप आपको इसलिए बताती है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉपर इसी टाइप से लिखना होगा। ओके सो अब नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने आगे वाले जो भी एक्सरसाइज हमारी बची हुई है मैं उसको कवर करती हूँ। ओके।